हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम आए थे दिल्ली में हिमेश मदान जी का हम लोग जो सेमिनार है वो अटेंड करने के लिए आए थे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। और उसके बारे में मैंने उस वीडियो में पूरा बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। तो जैसे कि उस दिन में हमारे पास टाइम था तो मेरे को करनी थी शॉपिंग और साथ में मेरे को थोड़ा लेना था सामान अपने YouTube चैनल के लिए। मेरे को ट्राईपोड्स और काफ़ी सारी चीज़ें उसके रिगार्डिंग जो वीडियो में काम आती हैं वो सारी चीज़ें की शॉपिंग करने के बाद भी हमारे पास काफ़ी टाइम बच गया। तो उसके बिल्कुल ओपोजिट था ये रेड फोर्ट, तो हमने प्रेफर किया कि क्यों ना जो हमारे पास 2-3 घंटे हैं उसके बीच में हम रेड फोर्ट घूम लेते हैं। तो फिर हम सीधे चले गए रेड फोर्ट में। तो रेड फोर्ट में हम लोग गए और काफ़ी सारा जो जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी कुछ आपको अच्छा लगे या कुछ पूछना हो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये है मेन फेस जो कि रेड फोर्ट का है, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ में, अपना मूवीज़ में, यूट्यूब के और सारे चैनल में लोगों ने डाला हुआ है। तो जैसे कि आपको सबको पता ही है कि ये वहाँ पे है। यहाँ से लेफ्ट साइड है इंट्रेस इसकी। तो जो इंट्रेस का जो रेड फोर्ट के इंट्रेस के लिए टिकट है वो है 50 रुपीस, और अगर आपको म्यूज़ियम के साथ में लेनी है, अगर आप इंडियन हो तो आपको 80 रुपीस लगेंगे, 30 रुपीस उसके, और दोनों मिला के 50 रुपीस आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप फॉरेनर हो तो आपको 500 रुपीस देने हैं उसके इंट्रेस के, और अगर आपको विद उसके जाना है, विद म्यूज़ियम देखना है, तो फिर 650 देने रहेंगे, ठीक है। तो ये था वहाँ का प्राइस लिस्ट। तो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा है यार, ये फॉरेनर के लिए इतना नहीं करना चाहिए था, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। कि ठीक है 100 रुपये ऊपर रख सकते हो आप, 200 रुपये भी रख सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा प्राइस उनका डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पर उसके बावजूद भी काफ़ी सारे फॉरेनर हैं जो कि विज़िट करते हैं यहाँ पे, मैंने ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे। पर मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया साथ में कि काफ़ी सारे फॉरेनर थे जो कि उसके बाहर ही बैठे हुए थे। तो अभी आई डोंट नो कि वो वहाँ बैठे हुए थे इस वजह से कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, तो चलो हम बाहर से एक्सपीरियंस कर लेते हैं और फ़ोटो वोटो बना लेते हैं, जो वीडियो बनानी है वो बना लेते हैं उसके लिए, जहाँ फिर उन्होंने घूम लिया था वो मुझे पता नहीं, क्योंकि जो अंदर से ज़्यादा मैंने बाहर फॉरेनर देखे, तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न हो सकता है। चलो एनी हाउ हम उस पर नहीं, जीएम साहब हैं वो भी यहाँ पे झंडा जो लहराते हैं, जैसे आपको पता ही है। ये है मेन इंट्रेस, और टिकट लेने के बाद आपको सिक्योरिटी चेकअप के लिए जाना रहेगा। वहाँ पर आपको अगर बैग डिपॉजिट करते हो तो पर बैग 2 रुपीज़ आपको 24 घंटे के लिए देने रहते हैं। तो वो आप प्रेफर करें क्योंकि आपको काफ़ी घूमना रहेगा, बहुत बड़ा है ये अंदर से। तो अगर आपके पास लैगेज है तो वहाँ आप इजीली डिपॉजिट कर सकते हैं, तो डिपॉजिट करने के बाद इजीली मिल भी जाता है जब आपके, वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो ये इंट्रेस है। इंट्रेस के साथ ही जैसे आप अंदर जाते हो यहाँ पर, तो दोनों साइड यहाँ पे आपको मार्केट मिल जाएगी, जो कि आर्टिफिशियल लेडीज़ के गहने होते हैं और पर्स वगैरह, और जो भी छोटी मोटी जो शॉपिंग की आइटम्स हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे सारी चीज़ें सिक्योरिटी चेकअप के बाद आती हैं, बहुत सारे हालातों से गुजरने के बाद आती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली तो आपको पता कि होगा ही होगा। तो ये है मेन इंट्रेस। यहाँ पे अकबर का दरबार लगता था, तो यहाँ पे मेन इंट्रेस है ये। जब हम लास्ट टाइम गए थे तो यहाँ पे काफ़ी सारा काम लगा हुआ था, हेरिटेज वाले यहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये जो ऊपर मैं अभी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे ये सारा पहले टूटा हुआ था, लेकिन इन्होंने पूरे पुराने जैसा था वैसा ही उन्होंने अभी लेटेस्ट बनाया है। तो इसके लिए मैं क्लैप करना चाहूँगा, हेरिटेज वालों ने अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये है अकबर का दरबार जहाँ लगता था। यहाँ राइट एंड लेफ्ट में जो कि लोग आते थे अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेके, और वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती थी अकबर के द्वारा। तो जैसे ही राजा अकबर यहाँ पे दरबार लेते थे, बहुत बड़े लेवल पे दरबार होता था वो, तो सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे बोलते हैं कि सल्यूशन किया जाता था। तो ये है जहाँ पे राजा जी का दरबार होता था, जहाँ पे सारे उनकी वजीर और जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर होते थे, जो भी उनके उस टाइम पे चलाने का जैसे तरीका होता था, उनके पास पास जो रहते थे लोग वो यहाँ पे रहते थे। तो ये है दरबार जहाँ पे अकबर जी और उनके जो वाइफ हैं वो भी यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे ये देखते थे। और इसके पीछे मैं भी आपको जूम करके बताऊँगा जहाँ से उनका
पीछे से रास्ता है वहाँ से आने का रूम का, तो अपने रूम से यहाँ से आके वो आते थे। तो ये हाइट पे क्यों होता था, क्योंकि उन दिनों बोला जाता है कि उन दिनों माइक वगैरह कुछ नहीं होता था, जैसे ये है ना ये डोर के पीछे से वो आते थे यहाँ पे, और उस टाइम पे ग्लास था नहीं था मेरे को ये चीज़ तो पता नहीं, लेकिन अभी उन्होंने पूरा ग्लास से कवर किया हुआ है, अभी सेफ्टी के लिए किया हुआ, कैसे किया वो पता नहीं। तो यहाँ पे इसका हाइट पे रखने का रीज़न ये भी होता था कि एक तो उनको सारी जो प्रजा है वो विजिबिलिटी क्लियर रहे, और दूसरा ये है कि वो वहाँ पे जो हाइट में होने की वजह से क्या कि जब उनको कुछ बोलना पड़ता था तो वो इजीली जो है कि जनता तक पहुंच जाए, ताकि अभी उन दिनों पे जो माइक वगैरह का और ये स्पीकर वगैरह का तो कोई प्रावधान होता ही नहीं था, तो इसलिए ये था। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारा एरिया यार, बहुत बड़ा एरिया है ये घूमने वाला, अगर आप आपके पास 3-4 घंटे आराम से यहाँ पे घूम सकते हो। तो ये जो पीछे से एक रास्ता है जो कि महल के पीछे से रास्ता था, तो गाइड के अकॉर्डिंगली बताया गया हमें कि जब कभी कोई दुविधा आ जाती थी यहाँ पे महल में, तो वो क्या करते थे कि इस रास्ते से राजा को जहाँ उनकी जो नेयर एंड डेयर्स हैं, तो जो गुप्त रास्ते से लेके पीछे नदी के रास्ते से उनको लेके चले जाते थे बचा के। तो ये था कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस जो कि यहाँ रेड फोर्ट का एक्सपीरियंस। और इसके बाद आज अभी मेरे को पकड़नी है ट्रेन, नाइट में मेरे को 9:30 की ट्रेन है आज, तो उसके लिए भी मैं अभी मेरे को यहाँ से जाने के लिए भी आधा 1 घंटा लगेगा, तो मैं अभी निकलता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करके बताइए, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और ऐसे ही मैंने जो हिमेश मदान जी के बारे में बताया वो सारी वीडियोज़ मैंने पिछले ब्लॉग्स में बताई हुई हैं, बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच।